गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। सो टुडे इज बिगा का रीडिंग इज अबाउट यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है आपके लिए। व्हाट इज द यूनिवर्स न्यू प्लानिंग फॉर यू, वेदर योर लव लाइफ, करियर लाइफ, एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग। ओके, अपना ग्रुप चूज कर लेंगे आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, ग्रुप वन, ग्रुप टू। ओके, इंट्यूटिवली चूज करना है, कार्ड के कलर से करें, लाइट ब्लू एंड दिस ऑरेंज। ठीक है, आई सी यू इन योर टाइम स्टेप्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो लवली ग्रुप वन, लेट्स सी क्या है जी यूनिवर्स ने क्या प्लानिंग किया है आपके लिए। फर्स्ट था यूनिवर्स न्यू प्लानिंग फॉर यू। वाओ, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन है मैनिफेस्ट कर रहे हो। पहले नंबर पे ही आया है कि जो काफ़ी रिच है मटीरियली, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो ऑब्वियसली ये मैं मटीरियलिस्टिक नहीं हो रही, बट एनर्जी है भाई यहाँ पर अमीर बंदे की। ठीक है, काफ़ी बड़ा बिजनेस हो सकता है, काफ़ी इसके पास चीज़ें हैं आपको देने को। ठीक है, आपकी बहुत केयर करेंगे एंड आपको बिजनेस मैन है ये, और लुक्स में भी बहुत अच्छा है। इनकी आईज़ काफ़ी फायरी हो सकती हैं एंड यूनिवर्स आपको इनकी तरफ इनको आपकी तरफ भेज रहे हैं। आप लोग किसी ना किसी तरह से ज़रूर मिलोगे। इनकी हैंड्स काफ़ी प्रोमिनेंट है, बहुत प्यारे हैंड्स हैं, बहुत सॉफ्ट होंगे, थोड़े थोड़े पफी होंगे, जैसे ही आपको पसंद है। आई डोंट नो आपकी लाइकिंग क्या है, जैसी आपकी लाइकिंग है इनके हाथ वैसे ही होंगे। ठीक है, बाल इनके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। वाओ, हाथी पहले नंबर पे आपका पर्सन आया है। एडिशन एंड द मिरर बैलेंस, यूनिवर्स से अब आप बैलेंस्ड लाइफ अट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स प्लान कर रहा है कि आपको एक बैलेंस्ड लाइफ दें। आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रही हैं गाइस, कभी हॉट, कभी कोल्ड, कभी कोल्ड, कभी हॉट। अगर आप इसको गौर से देखो, इस मेडिशन के एक हाथ में कोल्ड मिरर है, सॉरी कोल्ड फ्लेम है, दूसरे हाथ में हॉट फ्लेम है, इसको बैलेंस कर रहा है। सो अब आप एक मेडिशन की तरह काम करोगे। यूनिवर्स ने आपको एक मेडिशन बना दिया है कि जो इस सारे सिनेरियो को, मुश्किल हालात को कंट्रोल कर सकता है। सही है, वाओ। अब अप्रिसिएशन, कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनको ये शिकायत है, शिकवा है, गिला है यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ मेरे को क्रेडिट नहीं देते हैं ये लोग, मेरी कोई तारीफ नहीं करता है, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। सो यूनिवर्स अप्रिशिएट्स यू, आपने जो एफर्ट्स किया है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो आपने सेक्रीफाइसेस किया है, डिवाइन द ने सब देखा है। डिवाइन कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ एंड आई अप्रिशिएट इट, एंड आपको अब पब्लिक में ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, वाओ, व्हाट अ रीडिंग। अच्छा जी, अटैचमेंट्स, आपके अटैचमेंट्स ख़त्म हो रही हैं, आप कुछ आपकी अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं कुछ चीज़ों के साथ। मुझे यहाँ पर ज़्यादा अटैचमेंट लग रही है नेगेटिव थॉट्स के साथ, या कभी कभी गुस्सा, नेगेटिव थॉट्स, कभी कभी रात को रोना। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस कार्ड में देखो ना, खुद को बांधा हुआ है किसी ने, किसी एक चीज़ के पीछे। ये चीज़ बड़ी खा जाएगी आपको भाई, छोड़े इसका पीछा। ये कोई एक्स है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक ख्वाहिशें हैं, कोई इमोरल सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, किसी का बस प्रॉब्लम है। तो डिवाइन आपको इससे रिलीज़ कर रहा है इन सब चीज़ों से। एंग्जाइटी भी ख़त्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, Divine is planning this all for you and in
एंजल ऑफ लव आ रहे हैं आपके पास, डिवाइन भेज रहे हैं आपके पास एंजल ऑफ लव टू लव यू, सपोर्ट यू, गिव यू एवरी थिंग यू वॉन्ट. एंजल ऑफ लव आपके पास जब आएंगे ना, तो आपकी लाइफ में लव ऐसे मैनिफेस्ट होगा, चाहे पति की सूरत में, पत्नी की सूरत में, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मदर, फादर, ब्रदर, एनीथिंग, सब आपसे प्यार करेंगे. ठीक है, आपको शायद शक शिकवा है किसी को, मेरे से कोई प्यार नहीं करता. एनीवेज, डिवाइन हैज़ अ वेरी बिग प्लान फॉर यू, बैलेंस्ड, आपको आपकी एंग्जाइटी से बाहर लाना, ये सब चीज़ें यू आर अट्रैक्टिंग फ्रॉम यूनिवर्स आपके लिए है. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ये आपके लिए मैसेज है फ्रॉम डिवाइन, यूनिवर्स से. किसी को कोई है ये प्रॉब्लम सेफ्टी का, बी वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू गॉड, ये आपको मैसेज आए. आप लोग सेफ हो, ठीक है, चाहे कोई डिजीज़ है, चाहे कोई कोई आपकी दुश्मनी है किसी से, कोई भी प्रॉब्लम है सेफ्टी का, किसी किस्म का भी कोई इशू है, आपको कोई शक है, परेशानी है, डिवाइन आपको सेफ कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं बिल्कुल. टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत लो, मैं जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो पैनिक मत लो. ठीक है, ये मैसेज था डिवाइन का. एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जिंदगी की मुश्किलें ख़त्म हो रही हैं. फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, लक चलेगी अब आपकी. फुल मून वैसे भी चल रहा है आपका, कैप्रिकॉर्न में आपकी इसमें आया है. कैप्रिकॉर्न में जब फुल मून होता है, आप अपनी लक के हाई लेवल पर होते हो, आप लाइफ में पैसा बहुत अट्रैक्ट करते हो जब कैप्रिकॉर्न में फुल मून होता है. ठीक है, तो पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है. वैसे भी मैन होल्डिंग का कॉइन आपका जो मैन है वो भी काफ़ी अमीर है. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यूनिवर्स इज प्लानिंग प्रॉस्पेरिटी. फुल मून इन टॉरस, ये भी पैसा है. ये सारे अर्थ साइन वाले, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सब पैसा है. ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, काफ़ी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है. यूनिवर्स का प्लान है ना, हमारा तो नहीं है. और देखें जी, आपके यूनिवर्स का प्लान है जी आइसोलेशन. आपको कोई काम करना है, आपको पता है वो आपको करना है, स्टडी है, जॉब है, आपका किसी किस्म का काम है, आपको पता है वो करना है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हो. कजन्स में, फ्रेंड्स में, घर वालों में, कामों में बिजी रहते हो, उसको इग्नोर कर रहे हो. डिवाइन कह रहे हैं उसको जाओ और उसको करो, आइसोलेट हो जाओ सबसे. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो काम, आपने वो करना है, वो ना हुआ मसला हो जाएगा बहुत बड़ा. ठीक है, इंस्टिंक्ट्स आप में एक साइकिक एबिलिटीज़ आ रही हैं, इंट्यूटिव पावर्स आ रही हैं, मैनिफेस्टेशन पावर्स आ रही हैं आपको डिवाइन दे रहे. यू हैव टू बी वर्कहोलिक, काम करना पड़ेगा भाई. ठीक है, मैं झूठी आपको तसल्ली नहीं दूंगी कि काम के बगैर बन जाएगा काम. ना ना, इस पाल में आपको काम करना पड़ेगा, आप जो भी करते हो. काम ना किया खराबी हो जाएगी भाई. प्रेयर, यू नीड टू प्रे एज वेल. डिवाइन कहने प्रे करो मेरे से, शायद कुछ देना है उन्होंने आपको. सर्विस, अपने पेरेंट्स की, एल्डर्स हैं आपके, एनीथिंग, आप उनकी जितनी आप सेवा कर सकते हो, खिदमत कर सकते हो, करो, बिकॉज डिवाइन आपको कुछ उनके थ्रू ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं. समझे मेरी बात, कुछ ब्लेसिंग्स हमारी रुकी होती हैं क्योंकि वो किसी के थ्रू मिलनी होती हैं. तो डिवाइन आपको दे रहे हैं ब्लेसिंग, देनी है उनके थ्रू, एल्डर्स के थ्रू, जब वो आपको आपको दुआ देंगे, आपको प्रेयर करेंगे आपके लिए. ओके, सो आपके चार्म्स देख लें हम यूनिवर्स प्लानिंग के लिए. ऑलराइट,
तब तक कोई अफर्मेशन लिख सकते हो आप, यूनिवर्स से कोई प्रेयर है वो लिख सकते हो। अच्छा जी, एक नई शुरुआत है आपकी, कोई नई जॉब शॉप कर रहे हो? वाओ, अबंडेंस अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है आपके ग्रुप में। रिच इज़ अबंडेंस, रॉयल्टी। गाइस, आपको कोई ना अप्रोच करेगा, कोई लड़का या लड़की, आपकी जो भी जेंडर है अकॉर्डिंगली, या वो आपको कुछ मतलब ऐसा कर सकते हैं, आपको कोई लाइक जैसे एक बेट होता है फ्रिज मछली पकड़ने के लिए, ऐसे हड्डी डाली जाती है कि मतलब आपको कोई लालच या कुछ इस तरह करके भी अटैक करने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है? बहरहाल उनकी इंटेंशन साफ़ है, वो बस सिर्फ आप शायद उनकी बात नहीं सुनते हो, या आप उनको आपको पसंद नहीं आएंगे शायद, इसलिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको होगी आपको अप्रोच करने में। बट कोई है, समबड़ी हैज़ आईज़ ऑन यू, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स इज़ सेंडिंग टू अस यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लव यू, बाय बाय। हेलो ग्रुप टू, आपके नेम इनिशियल से हैं। लेट्स सी व्हाट्स ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आपके लिए, लव लाइफ, करियर लाइफ, एनीथिंग। यूनिवर्स, न्यू प्लानिंग फॉर योर डेस्टिनी, एनीथिंग। वाओ, देख लें जी, हैप्पी लाइफ है, फोर नंबर इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट कमिंग मार्च, सॉरी अप्रैल, फोर नंबर इज फॉर अप्रैल। हैप्पी फैमिली, कुछ लोग आप ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग शादी करके ससुराल में जा सकते हो, जिनके पास बेबीज़ नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, आपके दो बच्चे हो सकते हैं, आप यू कैन बी प्रेग्नेंट विद द ट्विंस, ट्विंस ना भी हो लेकिन किस्मत में लिखे हैं आपके डिवाइन के दो बच्चे, डिवाइन ने लिखे हैं, यूनिवर्स ने, आपको बहुत अच्छा खुशहाल परिवार, हैप्पी फैमिली, ठीक है? यहाँ पर रेनबो है, मेन खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, डिवाइन कह रहे हैं जी आपको कि आपको अपॉर्चुनिटीज पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे लाइफ में। अगर आपको ये नज़र आ रहा है कार्ड, आप देख सकते हो कि कितने दरवाजे खुले हैं, आपको लगता है ना आपके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, देखिए 1 2 3 4 5 6, नीचे ज़मीन से भी दरवाज़ा, आसमान से भी दरवाज़ा, साइड हो, बाहर से ऊपर से, आपके लिए डिवाइन ने जो प्रिपरेशन किया है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज पर अपॉर्चुनिटीज अब आएंगी, ठीक है? आप उनको अवेल करना या ना करना इसका काम है। ऑब्वियसली आपका मैन होल्डिंग अ कॉइन, एक बंदा आ रहा है आपकी लाइफ में, लड़का, आप लड़के हैं तो आप अकॉर्डिंगली जेंडर एडजस्ट कर ले अपनी सेक्सुअलिटी के अकॉर्डिंग। समबडी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, वेरी अबंडेंट, गुड। बिजनेसमैन हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ, सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है, जुलाई, जून, अप्रैल ये महीने हैं, डिवाइन आपकी तरफ इनको भेज रहे हैं, काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी अमीर है, ठीक है? क्योंकि कार्ड ही अमीरत का, तो मैं क्या अब आपको कह सकती हूँ, लविंग केयरिंग तो है ही, लेकिन ये इज़ वेरी रिच एज वेल, ठीक है? ऑल राइट, और है जी यहाँ पर कम्युनिटी। आप, आई एम सीइंग अ सेलिब्रेशन हियर, कोई सेरेमनी देख रही हूँ मैं, कोई शादी है किसी की फैमिली में, कोई फंक्शन है, ठीक है? यहाँ पे कुछ रिमार्केबल हो सकता है आपके साथ इस फंक्शन में, कोई आपको मिल सकता है, आप किसी से मिल सकते हो, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपका अपना भी फंक्शन हो सकता है, लाइक सगाई, एंगेजमेंट, मंगनी, आई डोंट नो, निकाह, एनीथिंग, ठीक है? दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स इज गिविंग यू। वाओ,
डोर टू स्पिरिट, काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल हो चुके हो आप और डिवाइन इससे बहुत खुश हैं। ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी ने आपकी हेल्प की है मैनिफेस्टेशंस में। मैसेज है आपके लिए विक्ट्री, वाओ, करियर में विक्ट्री है जो कर रहे हो। आई डोंट नो अब आप लोग क्या क्या कर रहे हो, डिग्री है, जॉब है, बिजनेस है, जिस भी काम में हाँ डाला हुआ है, यू आर लिटरली गोइंग टू विन। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर का महीना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, समझे। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 नंबर नज़र आ रहा है, अगस्त और फरवरी, ये भी आपके करियर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आपको विक्ट्री तो मिलने वाली है यहाँ पर, यू विल विन वट एवर यू डू। एंजल ऑफ लव आ रहे हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी आपके पास, लाइक आई मीन क्या मैं बताऊँ, एंजल ऑफ लव जो आपके पास आ जाता है ना, एवरीबडी लव्स यू, हर कोई आपसे मोहब्बत करने लगता है। ठीक है, जी, और है आपके लिए मैसेज, होल्ड योर विजन, अपना ना एम मत छोड़ना गाइस, ग्रुप टू, अपना एम मत छोड़ना, होल्ड योर विजन, जो करना चाहते हो लाइफ में वो करके दिखाना, बिकॉज डिवाइन आपकी हेल्प कर रहा है यहाँ पर। डिवाइन चाह रहा है कि आप कुछ ऐसा करो ताकि वो आपकी हेल्प करें। वाओ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। जब एरीज में होता है न्यू मून, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ कर ना उठ के बस करना होता है कुछ, यू हैव टू डू समथिंग। ओके, सो इट्स टाइम टू व्हाट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन ले, उठें, कंफर्ट जोन छोड़ें, ठीक है ना। दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, याद रखना। लुक एट अ बिगर पिक्चर, आप काफ़ी निराश हो रहे हो, डिवाइन कह रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी मुश्किलों को, अभी जो आपकी लाइफ में मुश्किलें हैं उसको अपना भविष्य समझ कर रुक मत जाना कि मेरे तो लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, मेरे तो फ्यूचर में कुछ लिखा ही नहीं है, अभी इतने बुरे हालात हैं, आगे क्या होगा। इस तरह के हमारी छोटी सोचें हमें हमेशा छोटा ही रखती हैं। डिवाइन कह रहे हैं फुल मून इन सजिटेरियस, लाइक लुक एट जस्ट बिगर पिक्चर, मतलब देखो कि मैक्सिमम मैक्सिमम यूनिवर्स आपको क्या दे सकता है, यूनिवर्स की कितनी कैपेबिलिटी आपको देने की। अब इसका तो कोई जवाब नहीं है, अगर आप खुद से सवाल करें कि यूनिवर्स के पास कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी उसके पास कैपेसिटी है आपको देने की, कोई है अंदाजा यूनिवर्स की कैपेसिटी का, नहीं ना है? बस इतना आपको मिलेगा, मिल सकता है डिवाइन से। ठीक है, the answer you need are coming, full moon in Gemini. When Gemini में full moon होता है, आपके सारे almost full, दो full moon आ चुके हैं, एक नया new moon आया है, so Gemini में जो full moon होता है आपकी communication powers बड़ी strong हो जाती हैं, और जो answer आपको चाहिए universe से, ठीक है, वो आपको मिलता है, जो भी आपको आंसर चाहिए डिवाइन से, यूनिवर्स इज कमिंग फॉर यू। वाओ, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। पास्ट में जो जो स्टक है, बुरे हालात थे, एक्स था, एक्स हस्बैंड था, जो भी था, वो आपको यूनिवर्स से आपका ट्रस्ट हटाया है, यूनिवर्स को कहा है कि आप यूनिवर्स को ब्लेम किया है आपने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ये, तो ठीक है, ये चीज़ें आपको पीछे रखे हुए हैं आज तक, ये बातें। बी ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन, एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत आ रही है आपकी ज़िंदगी में, शायद आपसे कोई शिकवा है, आपसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया सच्चा,
पर हाल यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग लव इन टू योर लाइफ. ठीक है, वाह, बहुत ही अबंडेंट पाइल है ये, वेरी अबंडेंट पाइल. गाइस आपकी चांस हम देख लें, ठीक है, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए. अब्रप्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, बटरफ्लाई, लेट मी सी फर्स्ट. गाइस दो नए हाउस स्पिरिट्स आ चुकी हैं, ठीक है, लकी लक इज ऑन योर साइड, एक्सट्रीम लकी हो आप. और जो आपकी ये है बटरफ्लाई, ये कहती है जी अब्रप्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपके ग्रुप में, गाइस आई डोंट नो व्हाई, एकदम से आसमान पर छूने वाली चीज़ है, फर्श से अर्श पर वाला हिसाब है, ठीक है. सो न्यू मून है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत तो होगी, बट समबडी इज़ डेफिनेटली कमिंग इनटू योर लाइफ वेरी फास्ट. भागता हुआ कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, शायद आपने मैनिफेस्ट किया है किसी को, जो भी है. आपकी लाइफ में दो बेबी बॉयज हैं आपकी किस्मत में, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स, दो बच्चे हैं, वैसे यहाँ बॉयज़ हैं. डिपेंड करता है ऑब्वियसली किसको क्या मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली नॉट अ पर्सनल रीडिंग. सो वेरी गुड, वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर. आई एम हाईली ग्रेटफुल टू डिवाइन, कितनी अच्छी रीडिंग आई है आपकी, ठीक है. तो अपना ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, लव यू.